Hello friends, I am Dr. Sunny Malik. I am a cancer pain and palliative care specialist at Rajiv Gandhi Cancer Institute, South Delhi. आज हम बात करेंगे लिम्फेडीमा के बारे में, स्पेशली इन दी सीए ब्रेस्ट केसेस। लिम्फेडीमा का मतलब है स्वेलिंग का होना और पानी का इकट्ठा होना बिटवीन दी स्किन एंड दी मसल्स। ऐसा पाया गया है कि 20% इंसिडेंस बताती है कि 20% ऑफ दी केसेस जिनका की सीए ब्रेस्ट हुआ है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनको लिम्फेडीमा हो सकता है, स्पेशली उन केसेस में जिनके अंदर की जो कैंसर टिश्यू है वो लिम्फेटिक चैनल्स जहां से वो पानी की निकासी होती है उनको ब्लॉक कर रहा है, या फिर जिन पेशेंट्स के अंदर सर्जरी हुई है और लिम्फ नोड डिसेक्शन किया गया है, या तीसरा जिन पेशेंट्स के अंदर कई बार रेडिएशन दी जाती है एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, तो इन तीन कैटेगरीज के अंदर लिम्फेडीमा हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं लिम्फेडीमा के? सिम्टम्स कॉमन सिम्टम है कि ऑब्वियस स्वेलिंग दिखाई देती है आर्म्स और फोरआर्म पे जिस साइड की सर्जरी हुई है या जिस साइड की कार्सिनोमा ब्रेस्ट है। दूसरा, इसके साथ में टिंगलिंग हो सकती है, हैवीनेस हो सकती है आर्म की, मूवमेंट्स ऑफ द आर्म जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं क्योंकि भारीपन फील होता है, और डिसकलरेशन ऑफ द स्किन भी पाया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अब लिम्फेडीमा अगर हो गया है और डायग्नोज हो चुका है तो उस लिम्फेडीमा को फर्दर और ज्यादा होने से कैसे प्रिवेंट किया जाए और कंट्रोल किया जाए। तो सारे पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस सिखाई जाती है ताकि वो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो कर सके। इसको मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ कंप्रेशन पंप्स का यूज किया जाता है ताकि ये लिम्फ का फ्लो जो है इंक्रीज हो सके। इलास्टिक स्टॉकिंग्स जो मार्केट में अवेलेबल है उनको पहनने के लिए समझाया जाता है, और कंप्रेशन ड्रेसिंग्स भी करीबन कई बार करनी पड़ती है। समटाइम्स कुछ रिफ्रैक्टरी केसेस के अंदर सर्जरी करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ द लिम्फेटिक बाईपासेस। वी एज पेन स्पेशलिस्ट एंड पैलेटिव केयर स्पेशलिस्ट, हम लोगों का भी रोल होता है लिम्फेडीमा के ट्रीटमेंट के अंदर। हाउ? इन द फॉर्म ऑफ निप्सीज। निप्सीज जिसकी फुल फॉर्म है मिनिमली इनवेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस। ये ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें कि नीडल्स के द्वारा जो कि एक्सरे की गाइडेंस के अंदर पहुंचाई जाती है कुछ नर्व टिश्यूज के ऊपर, जिसको कि सिंपैथेटिक नर्व टिश्यू कहते हैं, और खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर इंड्यूस्ड लिम्फेडीमा केसेस में अपर थोरेसिक लेवल यानी T2 और T3 वर्टिब्रल लेवल के ऊपर नीडल को एक्सरे गाइडेंस में पहुंचा के नर्व टिश्यू के ऊपर दवाई छोड़ी जाती है। इस दवाई को छोड़ने की वजह से फायदा ये होता है कि जो लिम्फेटिक चैनल्स ब्लॉक हो रहे होते हैं और बंद हो रहे होते हैं वहां से पानी की निकासी जो है कुछ महीनों के लिए और कुछ टाइम फ्रेम के लिए बढ़ जाती है, और उस टाइम फ्रेम के अंदर एक्सरसाइजेस, मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज और ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की मदद से जो आपकी स्वेलिंग है उसको कई हद तक कम किया जा सकता है।